अब हम लोग क्या देख रहे हैं, नियोलिथिक। नियोलिथिक फेज इन तीनों स्टोन एज में सबसे डिफरेंट और सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नियोलिथिक फेज मैंने क्या बताया है, क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी तक की सोसाइटी जो हंटर एंड हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थे, दे बिकम सेटलर सोसाइटी, एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी। तो दिस फेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कॉमन प्रैक्टिस हो गया था, साथ में पास्टोरलिज्म। एक बात यहां पे ध्यान देना, मेजर सोर्स ऑफ फूड अब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है। लोग खेती करना शुरू कर रहे हैं, लोग पशु को पाल रहे हैं, कैटल पाल रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि इन्होंने हंटिंग एंड गैदरिंग कंप्लीटली बंद कर दिया, ठीक है, बट मेजर डिपेंडेंस जो है, जो मेजर रिक्वायरमेंट है फूड का, दैट इज मेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड पास्टोरलिज्म। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि दे हैव कंप्लीटली गिवन अप हंटिंग एंड गैदरिंग। दूसरी बात, टूल्स के बारे में भी ध्यान रखना। व्हेन वी टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ टूल्स, ऐसा नहीं कि पुराने टूल्स लोग भूल जाते हैं, बट उनका यूज, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, एंड न्यू टूल्स जो आपको उस टाइम पीरियड से एसोसिएट करते हैं, दे आर मोर फ्रीक्वेंटली। बट ऐसा नहीं कि पुराने टूल्स लोग भूल जाएंगे, नहीं नहीं, अब तो नया पीरियड आ गया, वी शुड नॉट यूज दिस टूल, दिस टूल इज बैंड इन दिस पीरियड, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं कि दिस पीरियड इज नोन फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जैसे ही आपने खेती शुरू कर दी, जैसे ही आप पेस्टल लाइफ में चले गए, वो सोसाइटी विल चेंज। अब आप अगर आप खेती कर रहे हो, नाउ यू हैव टू वेट, यू हैव टू इरिगेट इट, you have to wait till it ripes, then you have to harvest it, and now since you are growing your food, you can store it as well. Now the requirement to move around has gone, hai ki nahi, bahut zyada jo tha ki yahan ka samucha kha gaye janwar, ab dusre jagah chalte hain, that thing is gone, because now you can grow your own food. Society kaisi ho jayegi, settled ho jayegi। सोसाइटी कैसी हो जाएगी, सिडेंटरी, सेटल हो जाएगी। जब सेटल हो जाएगी तो क्या होगी, पॉपुलेशन भी ग्रो करेगा, धीरे धीरे बड़े बड़े ग्रुप हो जाएगा, राइट। तुमको टेंशन नहीं है तो ठीक है भाई, रिलेटिव भी बनाना शुरू करोगे, फैमिली बॉन्डिंग वो सारा डेवलप होना शुरू होगा। जब वो सारा डेवलप होना शुरू होगा, सब एक जगह रह रहे हो तो क्या होगा, थोड़ा बहुत हायरार्की भी डेवलप होना शुरू होगा, ट्राइबल टाइप की सोसाइटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, बट एक स्मॉल लेवल का इनइक्वालिटी तो आना शुरू हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोसाइटी मोर लाइकली कैसी दिखेगी, ट्राइबल दिखेगी, देखो क्या क्या चेंज लिखा हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज। अच्छा, टूल्स के बारे में आई फॉरगॉट टू मेंशन, टूल्स कैसे हो जाएंगे, मैंने बताया था ग्राम टूल्स, फोटो भी होगा तुम लोगों को जो हैंड आउट दिया, देख रहे हो खल मुसल टाइप का फोटो, अब तुम लोग बैठे हुए हो तो अब क्या खाना, चटनी बनाते हैं, थोड़ा सा तो मसाला कुटाई होगा, सब कुछ होगा, उस टाइप के टूल की जरूरत है, ठीक है ना, तो ग्राउंड टूल्स की जरूरत है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ग्रेटर फूड अवेलेबिलिटी हो गया, राइज इन पॉपुलेशन हो जाएगा, एन इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, मोर कॉम्प्लेक्स सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सारे बात क्लियर है। इस टाइम के स्टोन टूल्स का एक और खासियत है, दैट इज इस टाइम के स्टोन टूल्स पॉलिश्ड होते हैं, पॉलिश के सेंस में होते हैं ना, धार ज्यादा, अगर मान लो कोई धार वाला टूल बनाना है तो लोगों के पास टाइम है, नाउ इट विल बी मच मोर पॉलिश्ड एंड रिफाइंड। या तो टूल्स ग्राउंड है, ग्राउंड करने के पर्पस से, ग्राउंडिंग पर्पस से, या टूल्स कैसे हैं, धारदार हैं तो शाइनी और धारदार हैं, पॉलिश्ड हैं, ठीक है। एक और चीज है, दिस पीरियड इज आल्सो एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ व्हील, व्हील आने से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा,
मूवमेंट फास्टर मूवमेंट पॉसिबल हो सकेगा। एनिमल तो तुमने डोमेस्टिकेट कर ही लिया है, व्हील अब खोल दिया, व्हील खोल दिया तो क्या होगा, पॉटरी का डेवलपमेंट आसान हो जाएगा। हल कुम्हार जो बनाता है पॉटरी किस पे बनाता है, व्हील पे ही बनाता है ना क्या, तो उससे क्या होगा, पॉटरी हो जाएगा। वीविंग तकली वकली टाइप का चीज में लोग वीविंग वगैरह भी करते थे, तो जब कॉटन उगा रहे हैं तो कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है, तो वीविंग वगैरह भी करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इस तरह से क्या होगा, तुम देख सकते हो लॉट ऑफ चेंज है इसका। कहां एक टाइम था कि हम लोग पेड़ पे रह रहे हैं, पेड़ पे नहीं जाके रह रहे हैं, गुफा गुफा में रह रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, टोटली नेचर डिपेंडेंट है। वहां से हम लोग किस फेज में आ गए, ऐसे फेज में आ गए जहाँ की हम लोग एक स्कैटरर कम्युनिटी टाइप का रह रहे हैं, राइट। इतने सारे चेंज होने के कारण वी गॉर्डन चाइल्ड इसको क्या बोलता है, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोलता है, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन इन द सेंस कि उनका शार्प डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस एराज, ठीक है ना। लेकिन ये कमेंट कितना सही कितना गलत है, सिंपल है, रिवॉल्यूशन मोस्टली क्या सडन चेंज के सेंस में है। और तुमको क्या लगता है ये सारे चेंजेस सडन में होंगे, नहीं वो बहुत लंबा समय चला होगा, मैंने क्या बताया, ऑलरेडी डोमेस्टिकेशन का एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो चुका था मेसोलिथिक पीरियड में, तो सडन कुछ भी नहीं है, इट्स अ क्यूमुलेटिव ओवर टाइम हुआ है, ठीक है। दूसरा एक और एस्पेक्ट आता है, कई लोग ये क्लेम करते हैं कि इंडिया का न्यूलिथिक पीरियड was a result of diffusion from Mesopotamian side, ठीक है, ईरान में जो उस वक्त नियोलिथिक चल रहा होगा उस diffusion क्या होता है कि इंडिया का नियोलिथिक पीरियड इसके इन्फ्लुएंस में डेवलप हुआ, ठीक है, इंडिया का नियोलिथिक पीरियड इसके इन्फ्लुएंस में डेवलप हुआ है। हालांकि इस थ्योरी को हम लोग इस मैसेज पे काट सकते हैं कि अगर तुम देखोगे इवन इंडिया में जो है टोटल न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे होगा, हर एक पार्ट ने अपने हिसाब से अपना टाइम लेके उस हिसाब से न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन किया। फॉर एग्जांपल जब तुम इंडिया के सेंट्रल पार्ट पे आओगे तो ये राइस पे डिपेंड है, यहाँ राइस का खेती होता था। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे आओगे तो यहां पर वीट एंड बार्ली, वीट एंड बार्ली का खेती होता था। साउथ में आओगे तो मिलेट का खेती होता था। और अभी हम लोग जब साइट्स पे जाएंगे, अलग अलग साइट्स पे जाएंगे, उसमें पता चलेगा इंडिया का भी जो नियोलिथिक ऐसा नहीं है कि समूचा पैटर्न सेम है, एवरी साइट डेवलप्ड बेस्ड ऑन उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल और उसके हिसाब से डेवलप हुआ, कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। जब कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है तो टू से कि इट इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम मेसोपोटामिया इज टोटली इलॉजिकल, क्योंकि अगर उससे इन्फ्लुएंस होता तो सेम पैटर्न होता। समझ में आ रहा है ये बात। इंपॉर्टेंट साइट्स पे आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स और इंडिया का जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है तुमको न्यूलिथिक साइट का, दैट इज मेहरगढ़। कहां पर सबसे इंपॉर्टेंट साइट क्या है, मेहरगढ़, और वहां पर अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है। तो मेहरगढ़ का साइट क्या है, दो तीन चीजें हैं मेहरगढ़ के साइट के लिए इंपॉर्टेंट। पहला, यहां पर घर मिलते हैं मड ब्रिक्स का, ठीक है, यहां पर हमको क्या मिलता है, मड ब्रिक्स का रेक्टेंगुलर घर मिलता है, एकदम सेल के तरह से, मतलब रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है। उसमें ग्रेन स्टोरेज के लिए कंपार्टमेंट्स वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है, फोटो भी दिया होगा आई थिंक, अगर तुम देखोगे पीछे तो फोटो दिया हुआ है मेहरगढ़ में आपको जो है। क्राफ्ट वेल डेवलप मिलता है, मदर गॉडेस की मूर्ति मिलती है, मदर गॉडेस है या क्या है वी डोंट नो, बट एक्चुअली मदर गॉडेस करके हम लोग कह सकते हैं कि उसकी मूर्ति मिलती है। एट द सेम टाइम क्या है which is very unique to this Mehrgarh site is कि यहाँ पर आपको lapis lazuli जो कि अफगानिस्तान से आता था, sea shell, obviously ये site कहीं भी समुद्र के किनारे नहीं है, but sea shell का तुमको bead वगैरह मिलता है, crafts मिलता है जो कि obviously कहीं से
ट्रेड कर गया था होगा। तो दिस शोज प्रेजेंस ऑफ लैपिस लैजुली, प्रेजेंस ऑफ टॉर्टोइस शेल, ये सब क्या शो करता है कि ये लोग ट्रेड में इंगेज थे। तो ये मत सोचो कि लोग इतना हार्डली है तो ये लोग ट्रेड नहीं करते हैं, सिंस पोर्ट ऑफ व्हील आ गया है, मोबिलिटी है, तो दे यूज टू ट्रेड विद अदर साइड्स आल्सो। समझ में आ रहा है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेहरानगर साइड का दोनों चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, पहला घर तुमको मड ब्रिक्स का रेक्टेंगुलर शेप मिलता है, ग्रेनरी टाइप का सेल टाइप का घर में मिलता है, मदर गॉडेस की मूर्ति मिलती है, एट द सेम टाइम आपको क्या मिलता है ट्रेड का एविडेंस मिलता है। और यहाँ पर क्या मिलता है आपको, व्हीट एंड बार्ली ब्रेस्ट, यहाँ पे ग्रो क्या हो रहा था, व्हीट एंड बार्ली हो रहा था, गोट शीप ये सब भी मिलता है आपको। ये क्लियर हो गया, मदर गॉडेस मिलती है, दैट कैन बी इन्फर्ड है रिलीजियस बिलीफ, मदर गॉडेस की जो मूर्ति है दैट कैन बी इन्फर्ड है क्या कि रिलीजियस बिलीफ है लोगों का। यहाँ पर जब लोग मरने के बाद दफनाए जाते थे तुमको रेड कलर के पाउडर में लपेट के दफनाया जाता था, ठीक है, इट ऑल्सो शोज रिलीजियस बिलीफ। दफनाने के टाइम पे लोग जो खाते पीते थे, जो फेवरेट सामान होता था, वो सब भी दफनाया जाता था, इट शोज बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, इट शोज बिलीफ इन आफ्टर लाइफ। समझ में आ रहा है? तो मेहरगढ़ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइट है दैट इज गुरजाम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट क्या है, गुरजाम, ये कहां का है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये साइट क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पिट ड्वेलिंग पाया जाता है। मेहरगढ़ में जमीन के ऊपर मिट्टी का लोग घर बना के मड ब्रिक्स का बना के, गुरजाम में लोग घर क्या बना रहे, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के बना रहे, पिट ड्वेलिंग। अंदर जाने का रास्ता के लिए लोगों ने कुछ ने सीढ़ी डाल रखा था, कुछ ने लैडर डाल रखा था, कुछ ने मिट्टी का ही बना रखा था। चूल्हा चौकी जो है घर के अंदर भी मिलता है, घर के बाहर भी मिलता है। ओवन जो है, हर्ब्स जो है टू कुक फूड इज फाउंड आल्सो इनसाइड द ड्वेलिंग एंड आउटसाइड द ड्वेलिंग। खाना स्टोरेज के लिए बाहर में पिट मिलता है। वहां क्या पाया जाता है, एक जो खास यूनिक चीज है कि जब भी लोग मरते थे तो उनके साथ उनका कुत्ता वगैरह होता है, जो पालतू पशु है, वो सब का भी मतलब दफनाया हुआ ग्रेव मिलता है, कई बार साथ में मिलता है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि या तो जानवर के प्रति प्यार या दफनाने का कुछ कल्चर रहा होगा, रिचुअल रहा होगा वहां पर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग फॉर विच गुर्जर होम इज यूनिक इज दैट ऑफ बोन टूल्स, ये काफी यूनिक है कि बोन टूल्स यहाँ पर काफी लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। इट वाज ए हंटिंग एंड फिशिंग इकोनॉमी, फिशिंग काफी कॉमन था क्योंकि वहां पर लेक वगैरह काफी ज्यादा थे। ये आपको समझ में आ गया गुरजाम क्यों फेमस था, बोन टूल्स के कारण, पिट ड्वेलिंग के कारण, हर्ब्स जो कि इनसाइड था आउटसाइड था, और जानवर दफनाने के कारण, ठीक है। मेहरगढ़ क्यों फेमस था पता है, गुरजाम क्यों फेमस था पता है, तीसरा है कोलदीवा। कोलदीवा का है बेलन वैली उत्तर प्रदेश, बात की थी बेलन वैली कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन है, और यहाँ पर आपको कितना राइस मिलता है, हमने बताया था ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखना, व्हीट बार्ली अफगानिस्तान के साइड या मेहरगढ़ में, कोलदीवा में राइस साउथ में आओगे तो मिले, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट साइट है चिनांग, कहां पर, बिहार में, क्लियर है, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं होते थे। अब आपको रिलीजियस बिलीफ पे आप लोग ही बताओ एक एक करके रिलीजियस बिलीफ क्या क्या होगा, हम लोगों ने इनडायरेक्टली डिस्कस कर लिया, बताओ पुनः एक रिलीजियस बिलीफ बताओ किसका होगा, मतलब कि क्या एनिमल का भी कुछ आफ्टर लाइफ या कुछ वर्ड से उस टाइप से देख सकते हैं, मदर गॉडेस का जो मूर्ति मिला है टॉय था या क्या था, बट मदर गॉडेस की तरह जब तक उसको इंटरप्रेट करोगे तो इट वाज सोर्स ऑफ फेमिनिन या इट वाज सोर्स ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि एग्रीकल्चर आ चुका था तो एक कंसर्न की खेती अच्छा हो हमेशा बना रहेगा, बिकॉज दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, तो हमेशा कंसर्न होगा कि भगवान टाइप का कुछ होगा कि जिसको पूजा करें तो यह खेती तबाह नहीं हो हमारा, राइट, तुम बताओ। रेड पाउडर के साथ दफना है, वो भी शो करता है,
मल्टीपल बरियल्स कहीं कहीं पाया जाता है, एक ही जगह पर एक ही दफन में मतलब कई लोगों को दफनाया हुआ पाया जाता है। या तो एक ये पाया जाता है कि किनशिप बॉन्ड के हिसाब से क्या होगा कि एक कुल के लोग एक जगह दफनाए जाते होंगे। साथ में क्या है कि मैंने क्या बताया कि चूंकि सोसाइटी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया होगा, अब इक्वालिटी खत्म हो गई होगी, राइट। थोड़ा ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एकदम कॉम्प्लेक्स आज के टाइप का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, पर थोड़ा बहुत पावर डिफरेंशिएशन आ गया होगा। बेस्ड ऑन दैट तुम ग्रेव अगर देखोगे तो कुछ लोगों के ग्रेव काफी इलाबोरेट पाए जाते हैं, तो दैट ऑल्सो शोज पावर डिफरेंशियल इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ, सिंपल वर्सेस मोर इलाबोरेट ग्रेव्स कैन बी सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंस इन funerary customs associated with people of different ranks. समझ में आ रहा है? साथ में food items in the grave shows की belief in afterlife. अदरवाइज तुम क्यों उसके साथ दाल चावल पैक करके भेजोगे? तो इसके साथ neolithic भी खत्म हो गया। मेहरगढ़ के बारे में एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा। I have already told so many qualities of मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ न्यूलिथिक साइट। हाउएवर मेहरगढ़ इज फेमस फॉर वन मोर थिंग। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि इस पीरियड में अभी भी जो है कॉपर वगैरह नहीं आया। कॉपर आते ही वो किसमें बदल जाएगा? चाल्कोलिथिक पीरियड में बदल जाएगा। मेहरगढ़ इज ए साइट ऑफ कंटिन्यूअस लिविंग टिल चाल्कोलिथिक पीरियड, क्योंकि बहुत जो अपर पार्ट है मेहरगढ़ का अगर उसको तुम एक्सकेवेट करोगे तो वहां पर तुमको क्या मिल जाएगा? कॉपर के टूल्स भी मिल जाते हैं। मेहरगढ़ में तुमको क्या होगा? कॉपर के टूल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। इट शोज की कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन। और इसी से हमें ध्यान में आता है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे जहां पे मेहरगढ़ है उसी से सटा हुआ हमारा जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है वो डेवलप होगा, हड़प्पा। And there many archaeologists believe that कि Harappa was nothing but evolution from rural Neolithic age to urban Harappan age. समझ में आ रहा है? बहुत लोगों का क्या मानना है कि Harappan culture is nothing but evolution from बलूचिस्तान का rural society, एक मेहरगढ़ बलूचिस्तान area अपना कह रहे हैं, बलूचिस्तान का जो rural society था that evolved with time in Harappan culture. Clear है? ये सारी बातें clear है? इसके साथ हम close करेंगे और next topic हमारा क्या हो जाता है? Harappan culture. Clear है?